ये क्या कर रहे हो राजीव? बिजलियों के इस रोमांटिक शहर के साथ खेल रहा हूँ। तुम्हें लव करना सिखा रहा हूँ। हमें नहीं सीखना है लव करना। अब आप अपने कमरे में जाइए प्लीज। हाँ नहीं, देखो लव करना तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। हर एक पत्नी को सीखना पड़ता है वरना पति देव नाराज हो जाते हैं। देखिए, हम आपकी पत्नी नहीं हैं। अभी हमारी शादी को कुछ दिन बाकी हैं। तो क्या हुआ, अभी कर लेते हैं शादी। राजीव लाल एक्सेप्ट यू एज माय लीगल एंड वेडेड वाइफ। लो तो गई शादी। एंड नाउ माय ब्राइडल किस। राजीव प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपने कमरे में चले जाओ। गंगा गंगा, मेरे जितने भी अंग्रेजी दोस्त हैं ना, सब अपनी अपनी सहेलियों के साथ बंद कमरे में जिंदगी का मजा ले रहे हैं। नो प्रिटेंशंस। राजीव तुम समझने की कोशिश करो, वो लोग पश्चिमी हैं और हम हिंदुस्तानी। हमारी संस्कृति में लड़के लड़कियां शादी से पहले ऐसे संबंध नहीं मानते। तो गंगा, हमारी भी तो 10-15 दिनों में शादी होने वाली है ना। तो थोड़े दिन रुक जाओ ना प्लीज, सात फेरे तो होने दो, मुझे तुम्हारी पत्नी तो बनने। गंगा, सात फेरे इज ऑल बुलशिट, इट्स अटर नॉनसेंस। आई मीन लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, ओके? सो कम है। छोड़ो मुझे, मत छू, हाथ मत लगाओ मुझे। तुम साले हिंदुस्तानियों से ज्यादा झूठा और मक्कार इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। सेक्स का नाम लो तो रोने लगते हो, लड़के लड़कियों को जानवरों की तरह अलग अलग बांध के रखते हो। औरतों की सोसाइटी अलग, मर्दों का समाज अलग, मगर बच्चे पैदा करने में आप लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यू ऑल आर हिपोक्रेट्स, यू ब्लडी इंडियंस। तुम, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर वाले, सभी के सभी अनपढ़ गवार, डबल स्टैंडर्ड, स्टूपिड पीपल। और सब सुनोगी, तुम्हारा इंडिया भी शिट के सिवाय कुछ नहीं है। एक गोबर की तरह इसमें से बास आती है, बास। निशाचर, तुमने हमारी इंडिया को गाली दी, तो सुनो, आज हम तुम्हारे साथ ये रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ते हैं। तुम्हारी दी हुई इस झूठी अंगूठी को हम धिक्कारते हैं। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी नशीली अमेरिका को हम हिंदुस्तान की ज्योति समझते हैं। अब निकल जाओ यहां से। Get out at once. Get out. You bloody bitch. तुमने मुझे मारा? तुमने? तुमने मुझे मारा?
मैं पूछता हूँ गंगा गायब कैसे हो गई? कह तो रहा हूँ डैड, मुझे नहीं मालूम। सुबह उठा तो वो अपने कमरे में नहीं थी, पता नहीं मुझे कहाँ गई वो। आई कांट बिलीव इट। जयकिशन, पुलिस कमिश्नर को फोन करो, उससे अपॉइंटमेंट लो कि मैं उसे फौरन मिलना चाहता हूँ। सैंडी, तुम आओ मेरे साथ। डैनी, यू ऑल्सो कम विद मी। हम कह देते हैं हमारी बेटी को ढूंढो, नहीं तो हमारा भाई गंडासा लेके यहाँ पहुंच जाएगा। हेलो अर्जुन, इस ट्रक ड्राइवर का कहना है कि इसने किसी इंडियन लड़की को वाटरफ्रंट रेलवे स्टेशन पर छोड़ा है। मेरी बात सुन, क्या हुआ? अरे बोलो ना गंगा, ये क्या क्या तुमने? अकेली भाग आई तुम? गंगा हुआ क्या? गंगा बोलो ना, हुआ क्या? गंगा बताओ मुझे, रो मत, रो मत, हुआ क्या? बोलो हुआ क्या? किसने किया ये? किसने किया बोलो? चलो भी हमें घर नहीं जाना। देखो घर तो वापस, हमने कहा ना हमें घर नहीं जाना, नहीं करनी हमें शादी, नहीं रहना अमेरिका में, हमें अमेरिका नहीं रहना। अच्छा ठीक है, अमेरिका में नहीं रहेंगे, लेकिन एक बार घर चलते हैं, डैडी से मिलते हैं, उनसे। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं मर जाऊंगी लेकिन वापस नहीं जाऊंगी, कसम खाई है मैंने। चुप, बंद करो ये पागलपन और चलो यहाँ से। नहीं अर्जुन, तुम मुझे इंडिया भेजोगे अभी और इसी वक्त। ठीक है, मैं तुम्हें इंडिया ले जाऊंगा, लेकिन देखो ये परदेश है, एक बार डैडी से मिल लो, उसके बाद नहीं ले जा सकते। तुम मत ले जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। गंगा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। गंगा मेरी, मैं तुम्हारे बगैर जा सकती हूं। गंगा नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। गंगा Oh, she's good. But come on, baby. देख लिया ना, मैंने कहा था ना तुमसे ये परदेश है, चलो यहाँ से। Lovers, huh?